दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। आज 21 जून है, योग दिवस है। बाबा रामदेव ने योग के कई आसन बताए हैं, साथ ही साथ वो कहते हैं कि अगर हम रोजाना योग का इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन में तो हमारा जीवन बहुत ही सुखद होगा, क्योंकि योग से बहुत सी बीमारियां हैं जो दूर हो जाती हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारी जिंदगी सरासरी सी बात है कि अच्छी ही रहेगी। वैसे दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा देश योग, मेडिसिन और बाकी सारे चीजों में सबसे बेहतर है। हमारा देश कहीं भी कम नहीं है, किसी चीज में भी वो कम नहीं है, वो हमेशा ही आगे रहता है। वो किसी देश से लड़ाई हो, किसी देश को जीतना हो या लोगों के मन को जीतना। हाल ही में चीन और भारत के हिंसक झड़प में हमने अपने 20 जवान को खोए हैं। इसके बाद बाबा रामदेव कहना चाहते हैं कि हमें चीन के सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे भारतीय वासी भी यही कहते हैं कि हमें चीन के सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। आइए जानते हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव क्या कहना चाहते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने चीन की चालबाजी से निपटने के चार रास्ते बताए हैं। बाबा रामदेव कहते हैं कि योग से अज्ञान, अकर्मता और बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है, आध्यात्मिक और मन की शांति को भी हासिल किया जा सकता है। पर चीन से मुक्ति के चार चरण हैं। अपने बात को समझाते हुए योग गुरु रामदेव ने कहा है कि पहली बात तो यह है कि हमारा देश और हमारी सरकार और सेना इतनी सक्षम है कि वो चीन को घर में घुसकर मात दे सकती है, लेकिन बात सिर्फ इतना से ही नहीं बनेगी। बाबा रामदेव ने कहा है कि चीन में बनने वाली वस्तुओं का विकल्प हमें भारत में ही प्रस्तुत करना होगा, फिर वो चाहे मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, खिलौने हैं, मेडिकल हो या फिर कोई दूसरे वस्तु हो। उन्होंने कहा कि चीन से आने वाली वस्तु के आयात पर ड्यूटी बढ़ानी होगी और भारत में बनने वाली वस्तुओं को हमें बढ़ावा देना होगा और साथ ही साथ उनके टैक्स में हमें छूट देनी होगी। देश में स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का मुहिम चला रहे बाबा रामदेव ने कहा है कि देश के लोगों को चीन का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि चीन एक विश्वासघाती देश है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में हमें लेफ्ट के विचारधाराओं के लोगों को भी शामिल करना चाहिए। चीन से मुक्ति का चौथा चरण बताते हुए बाबा रामदेव ने कहा है कि चीन से पूरे देश को नाराजगी है, चीन को वैश्विक स्तर पे अलग थलग करने की कोशिशों में भारत को नेतृत्व करना चाहिए। बाबा रामदेव कहते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित जीवन पद्धति जरूरी है। वो कहते हैं अगर सुबह सुबह योग करें और 18 घंटे मेहनत कर ले तो अर्थ और धन दोनों भी हासिल कर पाना मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अब तक जानकारी पहुंचाने के लिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय तो जरूर कमेंट करें। साथ ही रोज योग करें, स्वास्थ्य का ध्यान दें और इस महामारी में देश और सभी का साथ दें। ये वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर करें और भी इसी जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।